हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू जीरा रेसिपी बच्चों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू और एक हरी मिर्च ली है और इनको बारीक बारीक टुकड़ों में मैं कट कर लेती हूँ। क्या आपको पता है कि आलू का बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आलू एक काफ़ी अच्छा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का काफ़ी अच्छा स्रोत है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है, इसलिए आप अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इसे ऐड करें। तो ये मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैंने मीडियम आंच पर एक कढ़ाई रख के उसमें 3 टेबलस्पून घी डाला है। घी के गर्म होने के बाद 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम इसमें जो हमने आलू के पीसेस काटे थे वो सब इसमें डालकर अच्छे से मिला देंगे। और इनको एक समान मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से अगर इन पे घी का कोट अच्छे से हो जाएगा तो फिर ये आपस में नहीं चिपकेंगे, इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद 1 टेबलस्पून आप सेंधा नमक या नॉर्मल नमक, जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। और वो डालने के बाद आप इसे अच्छे से फिर से मिलाकर कुछ देर के लिए ढक के छोड़ दें। अब आप हर 2 से 3 मिनट के बाद बीच बीच में अपनी चम्मच इसमें हिलाते रहें। ऐसा करने से यह नीचे चिपकने से बच जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे आलू हाफ पके हुए हो जाएं, उसके बाद हम इसमें 1 पिंच जिंजर पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून चाट मसाला की ऐड कर देंगे। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए और पकने देते हैं। और इसी के साथ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें। यह बिल्कुल ही ईजी और बिल्कुल ही आसान, कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है। इसके साथ ही आलू मोस्टली सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं, साथ ही इसके हेल्थ के बेनिफिट्स भी हैं, तो आप ये अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करें। आइए अब हम अपने ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद ही अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक नाइफ लेके उसको डाल के देखा है, तो ये बिल्कुल अच्छे से अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये पक चुके हैं। अब हम धीरे धीरे चम्मच हिलाते हुए इन सभी को अपनी किसी प्लेट वगैरह में सर्व कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमारे आलू जीरा तैयार हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी आपके बच्चों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।